गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे साइंस का चैप्टर 2, सो लेट अस स्टार्ट। कल हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ फूड जाना था कि फूड का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होता है। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड जाने कि फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि फ़ूड का क्लासिफिकेशन किस तरह होता है, जो कि अलग अलग तरह से फूड्स के अकॉर्डिंग बेस्ड रहता है। कैटेगरी थी जिसकी एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। और उसी में हमने जाना था कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिंस। अब हम अलग अलग ये जो कंपोनेंट्स है फूड के, इन्हें डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपल शुगर एंड कॉम्प्लेक्स शुगर्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये एक तरह से शुगर की फॉर्म में रहते हैं, मतलब स्टार्च टाइप रहते हैं। ग्लूकोस एंड फ्रुक्टोस आर सिंपल शुगर, वाइल सुक्रोस, जैसे कि क्रिस्टल शुगर जो होती है उसको हम सुक्रोस कहेंगे। स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर कॉम्प्लेक्स शुगर, ये कॉम्प्लेक्स शुगर है। ग्लूकोस एंड फ्रुक्टोस आर फाउंड इन स्वीट फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो एट्सेट्रा। ये शुगर की ही फॉर्म्स हैं जिनमें मीठापन है या हल्का सा जिसमें स्टार्च है, तो फिर वो उसमें ग्लूकोस वगैरह है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट फूड कहेंगे। सोर्स इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर कैन, और मेनली जो है शुगर केन से सुक्रोज जो है ऑब्टेन किया जाता है। आप जानते ही होंगे कि हमारे घर में ये जो शक्कर आती है क्रिस्टल की जो जैसी जो दिखाई देती है, ये शक्कर हमारे गन्ने के रस से, शुगर केन से बनती है। गन्ने का रस बनाया जाता है, फिर उसको क्रिस्टल्स में कन्वर्ट किया जाता है। स्टार्च इज़ प्रेजेंट इन पोटैटो, व्हीट, राइस, मेज एट्सेट्रा। इसके अलावा ये तो बात थी शुगर की, एक और कार्बोहाइड्रेट हम कह रहे हैं हमारा के स्टार्च है। स्टार्च कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? पटेटो में, व्हीट में, राइस, मेज एट्सेट्रा में, यानी कि आलू, गेहूँ, चावल, मक्का, इन सब में आपको, इन सब के जो तने हैं स्टेम्स हैं उनमें आपको इजीली मिल जाएगा। वही ब्रांचेज ही एट्सेट्रा, स्टेम्स, ब्रांचेज एंड लीव्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये सब चीज़ें जो हैं इनकी, वो सब भी किसकी बनी होती है? स्टार्च में सेल्यूलोज की। ये हमने हमारा जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम पढ़ेंगे, इससे पहले भी हमने कई बार पढ़ चुका है वैसे तो, अभी और डिटेल में बार बार हम पढ़ने को मिलेगा इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो हमने ही जाना था कि जब फूड अपना खुद बनाते हैं, जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो क्या करते हैं, स्टार्च ही बनता है उनके, और स्टार्च ही जो उनके पूरे प्लांट्स के अंदर मौजूद रहता है। सेल्यूलोज प्रेजेंट इन आर फूड एक्ट्स एज रफेज टू हेल्प इन ईजी डिफिकेशन। ये रफेज की फॉर्म में रहता है और इससे जो पूरा अनवांटेड चीज़ें वो सब आउट हो जाती हैं। एनिमल्स लाइक काउ, हॉर्स एट्सेट्रा कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज। हालांकि जो एनिमल्स हैं काउ, हॉर्स एट्सेट्रा, ये जानवर जो हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो पचा लेते हैं। ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, दे कैन डाइजेस्ट फ्रुक्टोज। ह्यूमंस जो हैं वो सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो फ्रुक्टोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या रोल हैं, क्या रोल है कार्बोहाइड्रेट का, क्या काम आता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स गिव एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। कार्बोहाइड्रेट्स से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं। दे स्पेयर प्रोटीन्स फॉर बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस। इसके अलावा जो हमें हमारी बॉडी को जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने रहते हैं, तो उसके लिए वो प्रोटीन को भी अलग अलग जगहों पर पहुँचाती है। फाइबर, सेल्यूलोज जिसे हम कहेंगे, फाइबर को, रेशेदार जो चीज़ें रहती हैं वो प्रेजेंट इन देम increases to the stool bulk and helps in easy defecation। ये हमारे stool bulk में जो है को बढ़ाती है cellulose। देखिए इसका मतलब ये है कि हमारे खाने में जब फाइबर मिला हुआ होता है, रेशा मिला हुआ होता है, हम जब खाना खाते हैं
तो प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये तो क्या होती हैं, हमारी ब्लड वगैरह में, हमारी बॉडी में मिल जाती हैं, घुल मिल जाती हैं और जहाँ जहाँ इन्हें जाना रहता है वहाँ पहुँच जाती हैं। और ये जो फाइबर है, सेल्यूलोज है, ये आपके मलमूत्र की फॉर्म में आप हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाता है। और इसी की वजह से, सेल्यूलोज की वजह से क्या होता है, उसमें चिकनापन रहता है तो इजीली वो बाहर निकल पाता है। हम कहते हैं फाइबर वाला खाना खाना चाहिए, जैसे कि हम फ्रूट्स, आप एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, फ्रूट है तो आप डायरेक्ट फ्रूट खा रहे हैं तो यानी कि आपको जूस भी मिल रहा है, उसमें विटामिन मिनरल्स सब मिल रहे हैं, साथ ही साथ उसमें जो रेशे होते हैं फाइबर वो भी जा रहा है आपके पेट में, तो वो क्या है आपके डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ जूस पी रहे हैं, जैसे कि सिर्फ जूस पी रहे हैं, तो उसमें फिर आपको सिर्फ विटामिन्स वगैरह मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, लेकिन फाइबर नहीं मिलेगा। आप देखते हैं उसका सारा रेशा जो रहता है वो तो सारा छन करके अलग हो जाता है, निकल जाता है। दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड, इसके अलावा जो हमारे बॉडी में फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं उनको भी ब्रेक करने में, तोड़ने में ये मदद करता है। इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी फर्स्ट है टेस्ट फॉर स्टार्च, हम टेस्ट करेंगे कि क्या स्टार्च मौजूद रहता है, किस तरह रहता है। क्रश अ स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेड, ब्रेड लेंगे हम, ब्रेड को क्रश करेंगे, पूरी मसल लेंगे, मिक्स इट विद लिटिल वाटर, इसको थोड़े से पानी के साथ में मिक्स करेंगे, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, और इसमें हम डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन, आयोडीन आता है वो आयोडीन, हम इसमें सॉल्यूशन आयोडीन का डालेंगे। इफ़ द सब्सटेंस टर्न्स टू डार्क ब्लू ब्लैक कलर, अगर जो हमने जो ब्रेड मसल के डाली थी वो डार्क ब्लू ब्लैक कलर की हो गई है, तो इसका मतलब इसमें स्टार्च प्रेजेंस है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। एक्टिविटी टू करेंगे शुगर के लिए, हम ये जानेंगे कि शुगर किस में प्रेजेंट रहती है, कैसे पता करेंगे। क्रश अ स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम, कोई सा भी फूड आइटम लीजिए आप, इसको क्रश करिए, मिक्स करिए, मतलब मसल लीजिए, मिक्स अ लिटिल, मिक्स इट विद अ लिटिल वाटर, थोड़े से पानी में इसको मिक्स करना है, घोलना है, और उसके बाद में टेस्ट ट्यूब में इसको डाल के दो तीन ड्रॉप जो हैं वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की डालनी है। ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मोस्टली हमारे लेबोरेटरीज वगैरह में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से, तो उसमें डालेंगे हम ये सॉल्यूशन और फिर इसको थोड़ा हल्का हल्का सा हीट करेंगे, गर्म करेंगे। अगर रेड ऑरेंज कलर इसका दिखाई देता है तो इसका मतलब, इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें क्या है, शुगर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ट्रेन योर ब्रेन, ग्लूकोज डायरेक्टली एंटर्स द बॉडी स्ट्रीम एंड प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन इमीडिएटली, देयर फोर इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज पीते हैं, अभी गर्मी आ गई है, आप सब लोग एकदम जब धूप में से घर पे जाते हैं और काफ़ी थक जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा आप जो है वो घबराहट महसूस करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, ग्लूकोज पीते हैं या कुछ मीठी चीज़ खाते हैं, तो फटाफट से इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है, क्योंकि ये फटाफट से हमारे ब्लड में मिल जाता है और इसके साथ साथ हमारी रेस्पिरेशन को भी बढ़ावा देता है, काफ़ी अच्छे से रेस्पिरेशन होता है, सांस अच्छे से आएगी तो घबराहट आना बंद हो जाएगी, तो इसीलिए इसे इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स भी कहा जाता है, ये इंस्टेंट एनर्जी की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स गिव्स अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं। फैट्स कम फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, मोस्टली एनिमल सोर्सेज से आता है, और ऑयल्स कम फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, मिल्क, बटर, क्रीम चीज़ एंड मीट आर रिच इन फैट। ये फैट जैसे कि जो वसा रहती है सारी, वो एनिमल सोर्सेज में ज़्यादा रहेगी, और कुछ ऐसे सोर्सेज जो प्लांट से मिल रहे हैं उनमें, और ज़्यादातर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं मिल्क वाले उनमें होती है। एडिबल ऑयल कम फ्रॉम सीड लाइक मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स से, इसमें सनफ्लावर, कोकोनट एट्सेट्रा। आप जानते हैं कि जो खाने का तेल होता है हमारा, हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, सरसों से, सोयाबीन से, मूँगफली, तिल से, सनफ्लावर, सूरजमुखी से, और कोकोनट से, नारियल वगैरह से। ड्राई फ्रूट्स लाइक आमंड, वॉलनट एंड केश्यू आर रिच इन ऑयल, इसके अलावा जो हमारा बादाम है, अखरोट वगैरह ये सब हैं, केश्यू का जो वगैरह है, इन सब में भी ऑयल होता है हल्की क्वांटिटी में। रोल ऑफ फैट्स इन आर बॉडी, फैट्स का हमारी
बॉडी में क्या रोल है? तो फैट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं काफ़ी सारी, साथ ही साथ हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी कॉन्स्टेंट रखते हैं। दे प्रोटेक्ट डेलिकेट एंड ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स बाय फॉर्मिंग अ कुशन अराउंड देम। इसके अलावा ये हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ क्या है, चिकनी सी परत बना देते हैं बिल्कुल तकिए की तरह, पूरे चारों तरफ से उसको घेर के, जैसे चर्बी जैसा जो चढ़ जाता है तो उससे क्या होता है चिकने चिकने, उससे ऐसे एकदम उससे प्रोटेक्शन मिलता है उसको, उसको एकदम हार्म नहीं पहुंचता, नुकसान नहीं पहुंचता किसी भी चीज़ से। दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए डी ई के दैट आर सोल्यूबल इन फैट। इसके अलावा ये जो विटामिन होते हैं इनको भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनमें उन विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं जो कि हमारे फैट्स में सोल्यूबल है।